हाँ जी चलो बताओ डाउट्स। क्वेश्चन नंबर 5 तक टेन तक सर नाइन नाइन सेवेंथ नाइन एंड सेवेंथ। सेवेंथ और किसका है? अर्शिया का। सर। तुम्हारे माइक को क्या हो गया? अरे सर आ रही है आवाज। भाई अ पेंडुलम कंसिस्टिंग ऑफ अ स्फीयर ऑफ मास एम सस्पेंडेड बाय एन इनएक्सटेंसिबल एंड मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल इज मेड टू स्विंग इन अ वर्टिकल प्लेन। इफ द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग इज 2 mg, मैक्सिमम एंगुलर एम्पलीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द वर्टिकल कैन बी। राइट अर्शिया, यस ब्रेकिंग स्ट्रेंथ मतलब सर टेंशन। टेंशन। ये ब्रेकिंग स्ट्रेंथ का मतलब टेंशन तो है, लेकिन कौन सी टेंशन है ये? कौन सी मतलब सेंट्रिपिटल सेंट्रिपिटल टेंशन कौन सी होती टेंशन होती है? है टेंशन सर है, मैक्सिमम टेंशन मैक्सिमम टेंशन है। और वो कहाँ पे होती है? स्ट्रिंग पे लग रही है सर। तुम्हारे ना वॉइस जो है वो अप एंड डाउन हो रही है, जरा डिस्टेंस सेम रखो माइक का। ठीक है, तो इफ द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ मतलब बॉटम पॉइंट पोटेंशियल, लोएस्ट पॉइंट पोटेंशियल। ठीक है, तो लोएस्ट पॉइंट पर मुझे टेंशन दे रखी है। अगर लोएस्ट पॉइंट में मैं FBD बनाऊंगा तो इधर लगेगा MG, ऊपर लगेगा टेंशन जो कि हमें 2 mg दे रखी है, और यहाँ पे यस सर VL। इक्वेशन बोलो जरा। किस चीज की कौन सी लगेगी? सर थर्ड थर्ड इक्वेशन देखो यहां पे मुझे VL फाइंड करना है, सर तो उसके लिए मैं कौन सी इक्वेशन लगाऊंगा? ए पॉइंट पे VL मुझे फाइंड करना है। सर फर्स्ट बोलो जरा, फर्स्ट इक्वेशन कैसे लगेगी? V इक्वल टू नहीं U प्लस AT। टाइम तो है नहीं सर थर्ड ही लगेगी ओके, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू S। नहीं है मैं पॉइंट A पे लगा रहा हूं ना। यस सर अच्छा बोलना V की वैल्यू। नहीं सर गलत है सर इसमें वो नहीं लग जाएगी टेंशन को सेंट्रिपिटल फोर्स लेके टेंशन इज इक्वल टू एमवी स्क्वायर बाय आर करके हाँ ऑब्वियसली वही लगेगी। तो ये कहाँ से क्यों, मतलब हम, मैं एक पॉइंट पे लगा रहा हूँ। ये इक्वेशंस कब लगती है? जब हम दो पॉइंट्स के बीच में लगाते हैं। यस या तो एक पॉइंट पे लग रही है। बोलो सर एक। टी 2 mg इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर रुको शाबाश। माइनस वो भी होगा टी माइनस mg तुम पहले बार गलत क्यों बोल रही हो? mg भूल गई थी क्यों भूल गई थी? नीट का पेपर देख के आओगी, आके बोलोगे सर मैं तो भूल गई एमजी लगाना। नीट के पेपर में नहीं करूंगी देखो, थिंक बिफोर अप्लाइंग, बिफोर प्रोसीडिंग, क्या मैं जो कर रही हूं वो सही कर रही हूं? ओके सर एक बार दिमाग को थोड़ा स्थिर रख के, थोड़ा स्टेबल रख के सोचो कि जो तुमने लगाया, तुमने पहले बोला फर्स्ट इक्वेशन, पहले बोला थर्ड इक्वेशन,
किसके ए और ए के बीच में थर्ड इक्वेशन लगा रहे हैं ना, ए पे ही तो लगा रहे हैं, कहाँ पे लगाएंगे, है ना। फिर बोलती फर्स्ट इक्वेशन कहाँ पे लगाएंगे, फिर नहीं समझ नहीं आया, टाइम नहीं है इसलिए लगाई, फिर दोबारा फिर थर्ड इक्वेशन वो नहीं लगी क्योंकि दूसरा पॉइंट नहीं है। देखो सिंपल सी बात है, अगर चीजें देखो क्वेश्चन देख के हमें समझ में आना चाहिए, कम से कम एटलीस्ट इतना तो आ जाना चाहिए ना, ये क्वेश्चन जो है वो सर्कुलर चैप्टर का है, यहाँ तो सिर्फ सर्कुलर का हो रहा है टेस्ट, नीट में तो पूरे सारे सारे सिलेबस का होगा, 30 चैप्टर होंगे उसमें, उसमें तो और मुश्किल हो जाएगा फॉर्मूला ढूंढना, है ना। तो यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन देख के पहले तो चैप्टर पे पहुंचो कि कौन से चैप्टर का लग रहा है ये क्वेश्चन, ये तो फिर भी नीट है, इसमें तो मिक्स आता नहीं, जेई में मिक्स ऑफ चैप्टर आते हैं, जेई एडवांस वाले तो वैसे ही बैंड बजा देते हैं, उसमें तो 4 चैप्टर्स में से बन एक क्वेश्चन बन के आता है, ठीक है वैसे बता रहा हूँ तुम लोगों को, इसलिए ये तो इसमें तो डायरेक्ट मेजोरिटी क्वेश्चन तुम्हें एक ही चैप्टर में से मिलेंगे विदाउट कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स। तो तुम्हें पहले चैप्टर पे पहुंचना है, चैप्टर के अंदर फिर देखो यहाँ पे वर्टिकल प्लेन है, वर्टिकल प्लेन मतलब वर्टिकल सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है ये, राइट। तो थोड़ा टाइम दो ओके इसको, हाँ सर, ऐसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की कोशिश करो, फिर फॉर्मूला मिलेगा। एक रूम में घुस गए, ढूंढने मुझे शूज हैं, तो मैं कहाँ देखूंगा, शू रैक में ही देखूंगा ना, अलमारी के अंदर थोड़ी देखूंगा, हाँ के ना। शू शू यस वाले ड्रॉअर में ही ढूंढेंगे ना शू को, तो पहले एक थोड़ा कैटेगराइज करो ना चीजों को कि हमें कहाँ चीज सर, देखनी है, कहाँ पे कौन से चैप्टर पे जाना है, फिर चैप्टर में कौन सा टॉपिक लग रहा है ये, फिर उसका कौन कौन से फॉर्मूले हमने किए थे। तो इसके लिए तुम्हें ये थोड़ी हायरार्की जो है वो, एवरीवन इज लिसनिंग टू मी, दिस इज फॉर एवरीवन, ठीक यस सर, है। तो स्टेप बाय स्टेप एक फॉर्मूले पे पहुंचने की कोशिश किया करो, ठीक है। ये प्रॉब्लम आती है बच्चों सर, को, किसी क्वेश्चन में कोई फॉर्मूला लगा दिया, कुछ और मतलब जो मन किया वो लगा दिया ऐसे, ये यहाँ अभी तो कम है क्योंकि एक एक चैप्टर है। अब मेजर टेस्ट हो सकता है, तुम लोगों का मेजर टेस्ट होगा अगला, लेकिन उसके लिए 3 हफ्ते मिलेंगे बीच में, 8th को होगा क्योंकि नॉन मेडिकल का भी 8th को है, मेजर टेस्ट है उनका भी, तो तुम लोगों का भी शायद उसी दिन होगा, ठीक है। तो एक एक आधे दिन में आज तक आज फाइनल हो जाएगा क्या करना है, तो मोस्ट प्रॉबली ऐसे ही होगा, तो उसके लिए 3 हफ्ते हैं, तो मेजर टेस्ट है उसमें 3-4 चैप्टर आएंगे, है ना। मैं अभी अभी फाइनल नहीं है सिलेबस, हो सकता है मैं स्टार्टिंग से ही डाल दूं, मोशन 1D से स्टार्टिंग से डाल दें, मित्रों यस आपकी मर्जी है सर, बहुत देख लो शुरू से लेके यहां तक पढ़ना पड़ेगा, मतलब सर, NLM से डाल दो, मतलब वो थोड़ा पिछला ज्यादा पिछला मेजर टेस्ट कहां तक सर, हुआ था याद है, मोशन इन सर वन डी जो पिछला भी हुआ मोश सर, पिछला सर NLM तक हुआ था शायद, था NLM तक सर हुआ था सर, सारा NLM तक हुआ था सर पिछला मेजर टेस्ट, ये काइनामेटिक्स 2 तक, नहीं, कोई किसी को नहीं कंफर्म है वो LN, बताओ, मोशन इन एक टू मिनट देख के बता कंफर्म देती हूँ सर, NLM तक ही था, NLM तक था, यस यस सर, सर, फ्रिक्शन उससे पहली बार आई थी, मतलब अच्छा उसमें मुझे याद है ठीक सर, हमने ना वर्क फाइनल, अब वो सर NLM के बहुत टेस्ट दिए थे, आप NLM की जगह मोशन इन 2D डाल दो, वर्क फाइनल जी सर्कुलर मोशन और ये वाला, NLM के बहुत टेस्ट कब दिए, सिर्फ दो ही दिए हैं शायद, चलो NLM भी डाल दो सही, वो मैं पर देखूंगा, वो मैं देखूंगा क्या डालना है मुझे, सर डाल देना ठीक है। लेकिन NLM, मेरी पॉइंट समझ रहे हो तुम लोग, तो इसलिए ये चीजें जो हैं एक बार सोचा करो चीजों को अप्लाई करने से पहले, एवरीवन, ठीक है। बहुत बच्चे ये चीज गलतियां करते हैं। अब यहां पे मुझे लगानी है सेंट्रिपिटल वाली इक्वेशन, टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, बाय टी कितनी वैल्यू, टी की वैल्यू कितनी है 2 mg, माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी एल स्क्वायर बाय आर। लेकिन मैं लगा क्यों रहा हूं, मुझे वी एल फाइंड क्यों करनी है, क्योंकि सर हमें डिस्प्लेसमेंट, हमें डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है ना, ढूंढना, अब डिस्प्लेसमेंट उसने एंगल में पूछी है, यस सर, तो मतलब यस मुझे सर, एंगल फाइंड करना है, यहाँ ए से बी तक कितना एंगल कवर कर लिया इसने, ये वाला थीटा फाइंड करना है मेरे को, तो उसके लिए मुझे वी एल की जरूरत क्यों पड़ी, सर फिर वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के वहां पे एंगल हाँ सर, निकालेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम, यस, एनर्जी वी कंजर्वेशन थीटा लगाएंगे, वी एनर्जी इक्वेशन, कंजर्वेशन लगाएंगे ए से बी तक मेरे पास,
या वेलोसिटी वाला फॉर्मूला लगा दो v थीटा स्क्वायर, ये लग जाएगा। यस सर, उससे सेम बात है सर। VL मेरे पास है, yes, अभी आ रहा है सर। अच्छा एक सेकंड, V थीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? VL स्क्वायर माइनस 2GR1 माइनस cos थीटा। अच्छा VL की वैल्यू क्या डालेंगे यहाँ पे? रूट फाइव जी आर, रूट जी आर, लोएस्ट पॉइंट पे रूट फाइव जी आर नहीं होती सर यहाँ पे, सर वो लूप कंप्लीट कर रहा है तो नहीं। और सर उसने कौन सा बोल लिया कि वर्टिकल सर्कल पूरा कंप्लीट हुआ है? यस ठीक है, तुम में से ही एक जाना है जिसने यहाँ पे लूपिंग की कंडीशन लगा दी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लूप नहीं कंप्लीट हो रहा, राइट? तो यहाँ पे रूट फाइव जी आर नहीं लगाएंगे हम, वी विल पुट जो हमने यहाँ पे निकाल लिया वीएल, उसकी वैल्यू इधर डालेंगे, फिर वी थीटा की वैल्यू निकाल लो ना। वी थीटा की वैल्यू कितनी है? जीरो। बी पॉइंट पे वो जीरो है, उससे कॉस थीटा आ जाएगा। गॉट इट? यस यस सर। ठीक है, पेपर में गलत था सर, ये मेरा बाद में हो गया था। क्वेश्चन नंबर एट में गुनवीन अनम्यूट करो। यस सर। क्या किया तुमने? सर मेरा एल कॉस थीटा मतलब बच रहा है, मतलब कटा नहीं। यहाँ पे हमारे पास सारा सिस्टम जो है वो स्टेशनरी रहना चाहिए, ठीक है? दैट मीन्स अगर यहाँ पे mg लग रही है, इधर फोर्सेस बनवाओ जरा, इधर mg लगेगी, कैपिटल mg, और सिर्फ मैंने छोटे वाले मास पे वो t cos थीटा और नीचे mg और फिर mv स्क्वायर बाय r को t sin थीटा के इक्वल पुट किया था। ओके, t sin थीटा तुमने किया mv स्क्वायर बाय r या फिर m ओमेगा, हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है ना, ना फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है ना। यस सर। m ओमेगा स्क्वायर लगा, r लगा सकते हैं। r क्या होगा? ये वाला होगा डिस्टेंस, राइट? यस सर। t cos थीटा क्या होगा? सर mg के, mg के इक्वल है ना? तो और फिर उसके बाद क्या किया सर? फिर मतलब दोनों को डिवाइड कर दिया और r की वैल्यू l cos मतलब sin थीटा डाल दी, मतलब वहां से फिर सर वो tan थीटा और sin थीटा का मतलब कट के cos थीटा बन गया था, ओमेगा स्क्वायर r बाय g, ये बन गया। ओके, तो यहां से मेरे पास ओमेगा क्या आएगा? g tan थीटा बाय r का रूट। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाय T. T क्या आ गया? 2 पाई रूट ऑफ आर बाय जी टेन थीटा। अब यहाँ पे आर तो वेरिएबल है नहीं क्वेश्चन में, तो आर को करना पड़ेगा। उसको मैंने एल साइन थीटा करके फिर टेन थीटा के साथ काट दिया। हम्म, सर वो कॉस थीटा बच गया। अच्छा, यूज मी सर। हाँ जी सर, ऐसे नहीं कर सकते t sin थीटा जो अपने फर्स्ट इक्वेशन सिर्फ बनाई है उसमें r की वैल्यू पुट कर दो, t आ जाएगा, उसको mg के इक्वल कर दो अगर बॉडी को बड़ा वाला मास। ऐसे ही कैसे? बिल्कुल कर सकते हैं। तो सर इधर तो cos थीटा बचेगा नहीं? बिल्कुल बचेगा है ना, तो फिर गलत नहीं हो गया ये? मैच नहीं करेगा, गलत नहीं है लेकिन यहां पे मैच नहीं करेगा। यस सर, मेरा मैच नहीं करेगा यहां पे, है ना? तो हम क्या कर सकते हैं यहां पे? t की वैल्यू एक जगह से निकाल के दूसरी वैल्यू में डाल दो या फिर स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दो। सर बस फर्स्ट इक्वेशन को यूज करके सब कुछ हो सकता है इसी को सर। यस सर, इसमें r की वैल्यू l sin थीटा डाल दो। यस सर, फिर कट रहा है, sin थीटा कट जाएगा, फिर ओमेगा को चेंज कर दो सर। ओमेगा, यस सर, फिर ओमेगा तो सर टेंशन को भी बड़ा mg के इक्वल रख देना क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में है बड़ी वाली। तो यस सर, mg t sin थीटा इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर l sin थीटा। और t की वैल्यू किसके बराबर होगी? mg के बराबर। mg sin theta is equal to m omega square l sin theta r,
आर की वैल्यू क्या है, एल साइन थीटा होगा ना, साइन थीटा कट जाएगा, सीधा आ गया जो निकालना है ओमेगा रूट ऑफ एम जी बाय एम एल, और फिर रेडियंस में आएगा तो उसको रेवोल्यूशन में कन्वर्ट कर लेंगे। हाँ हाँ, वो तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी ओमेगा क्या होता है, 2 पाई नहीं होता है ना? यस सर। तो इसलिए मेरा उस वाले से क्यों नहीं निकला, क्योंकि उस वाले में जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन में एम है ना, हमने एम को एलिमिनेट कर दिया, हमने एक्चुअली टी को एलिमिनेट कर दिया यहाँ पे जब डिवाइड किया ना पहले, तो टैन थीटा वहां पे वो एलिमिनेट हो गया, इसलिए हाँ न्यूमेरिकली दोनों वैल्यू सेम होंगी। ओके नेक्स्ट सर, नाइन्थ क्वेश्चन, काइनेमैटिक्स वन में सिर्फ इसमें, हाँ हाँ इसमें तो कुछ नहीं है, सर v दे रखा है u दे रखा है s 200 मीटर है आ जाएगा, बस यही करना था। हाँ हाँ, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर रिजल्ट ठीक है सर, मेरा तो आ गया 0.5 आ गया था फिर सर, डिस्टेंस 200 आ गया, फिर उसके बाद क्या करना है, 0.5 जो ये बोल रही है तो थर्ड इक्वेशन आ जाएगा, वो कुछ और है जो तू बोल रही है, वो मेन थोड़ी है वो सर ही आएगा। अरे पास एक मिनट, इनिशियल स्पीड यहाँ पे दे रखी है, इट इंक्रीजेस टू, यहाँ पे फाइनल स्पीड दे रखी है, पाथ लेंथ दे रखी है, तो मेरे पास ए आ जाएगा। यस यस, कार इज ट्रैवलिंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन अलोंग विद टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, अब ए जो आ नेट आएगा 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। यस हां, बस आ गया, यही आंसर है। चल लेकिन हमें प्लेसमेंट नहीं लेते तो फिर वो अलग नहीं आएगा सर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, पर फिर सर अगर क्यों आया मेरा मतलब, एक जना बोल लो। हां हां मिलन सर, इसमें आंसर 0.54 है। हम्म, तो आंसर हमारा जो निकल गया वो 0.5, कितना आ रहा है इसको सॉल्व करके एक्सेलरेशन की, 0.5 मीटर पर सेकंड, 0.5 ठीक है सर, जो हम v square minus u square is equal to 2as लेते हैं तो s तो displacement नहीं होता, फिर root 2s नहीं आएगा, फिर वहाँ से 0.54 आ रहा है। ओके वैसे मत लगाओ, फिर आंसर सेम ही आएगा उससे भी, हम लगाते हैं दूसरी इक्वेशन, तो मेथड जो हमने किया वो ठीक है, थर्ड इक्वेशन वाला। हाँ हाँ ठीक है, मेथड क्यों ठीक है मैं बता रहा हूँ, उसका रीजन दे रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास हम लगाते हैं ओमेगा, ये सही है, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा, ये सही है? नो यस, वो एंगुलर एक्सेलरेशन सर, वो निकाल एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी, ओ एक मिनट, ये इक्वेशन तो लग सकती है ना यहाँ पे, हाँ जी लग सकती है ना, ठीक है। अब ओमेगा क्या होता है, v / r, v / r, दिस इज v स्क्वायर / r स्क्वायर माइनस, ये क्या है, v नॉट स्क्वायर बाय r स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा 90 डिग्री हो जाएगा, a बाय r, और थीटा इज इक्वल टू r अपॉन रेडियस, ऑन रेडियस यस, l अपॉन r, v स्क्वायर माइनस ये u ले लो इसको चाहे, या v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 a l, सेम ही आ गया सर, वही है वही आ गया सर, तो सर बट ये डाउट है, हमने डिस्प्लेसमेंट नहीं लेते थर्ड इक्वेशन में, यहाँ पे L आ गया ना, आर्क लेंथ है ये, यहाँ पे तो आ गया सर जब उसमें सिंपल किया था, उसमें लेते हैं बिल्कुल, उसमें गाड़ी की डायरेक्शन होती भी नहीं ऐसे, उसमें क्या है, उसमें तो डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, हम एक्चुअली वो लगा ही नहीं रहे थे, हमने लगाई ये वाली इक्वेशन है, उससे डायरेक्टली ये बन गई जिसमें हम डिस्प्लेसमेंट नहीं आया, आर्क लेंथ आई है, ठीक है सर, आर्क कट गया, ठीक है, यस सर, सर फिर इसके बाद कैसे करेंगे, इसके बाद तो वैल्यूज डाल देंगे, ए आ जाएगा सर, एक्सेलरेशन 0.5 आ रही थी उसके बाद, अच्छा सर लेकिन ऑप्शन में फिर क्लोजेस्ट मार्क कर देंगे, हाँ वैसे तो ऑप्शन में क्लोजेस्ट मार्क कर देंगे,
सर अल्फा को क्या लिख सकते हैं ए बाय आर हाँ ए इज इक्वल टू अल्फा आर होता है ना अच्छा ठीक है सर थर्ड लेकिन ये आंसर पूरा आ रहा है क्या 0.18 0.5 पूरा 0.5 यस सर 0.5 आ रहा है So 200 by 400 आ गया। सर वो जब वो बस रूट वाला लेते हैं तब भी 0.54 आ रहा है। क्या लेते हैं अगर? सर अगर हम displacement वाले से करते हैं तब। ये अप्रोक्सीमेशन पता क्यों आ रही है क्योंकि जो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है ना ये फॉर्मूला स्मॉल एंगल्स के लिए एप्लीकेबल होता है स्मॉल एंगल मतलब आधा एक रेडियन तक रेडियन yes, में अगर सर, आपने यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है इसलिए थोड़ी अप्रोक्सीमेशन हो रही है सर उसमें इसीलिए होता है ना क्योंकि हम जो उसमें वो देते हैं जो आर्क होती है उसे अप्रोक्सीमेटली आर्क के इक्वल ले लेते हैं displacement के ठीक है that is why थोड़ा सा difference आ रहा है otherwise ठीक है closest option आप लोग mark कर सकते हैं okay next मतलब इसमें सीधा हम third equation नहीं लगा सकते अगर हम s को displacement की value put करें उसमें मतलब ये तो हमने derive करके मतलब उससे निकाल ली है अगर सीधा ही लगा दें हम सीधा तो अगर लगाएंगे थर्ड यस मैंने मैसेज किया था अपने सीनियर को पता नहीं मतलब वो मिस हो गया होगा पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर विद इनिशियल स्पीड वी इट स्टार्ट्स रिटार्डिंग विद कांस्टेंट रिटार्डेशन नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस फिर इस कांसेप्ट ना मेरा 4 माइनस 4 आर आ रहा था सर पता नहीं तीन चार बार चेक कर लिया मैंने सॉल्व करके क्या दिया हुआ है भाई बता सर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी नो सर इनिशियल स्पीड इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी वी अपॉन आर लिख ली सर एंगुलर एक्सीलरेशन माइनस वी स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर ये एंगुलर एक्सीलरेशन है कहाँ गया नो सर यस नो सर कौन सी एक्सेलरेशन है ये लीनियर एक्सेलरेशन है कैसे पता लगा तेरे को अभी सर मैंने सर वो सिर्फ सर मतलब मैंने पूरा स्टेटमेंट नहीं पढ़ी थी कांस्टेंट रिटार्डेशन दे रखा है ना एंगुलर रिटार्डेशन दिया होता उसकी वजह उस अगर अल्फा दिया होता दूसरी चीज अगर कंफ्यूजन हो जाए है ना अगर वहां पे ना चमके कंफ्यूजन yes. तो डायमेंशंस देखो इसके v स्क्वायर बाय r है yes. थर्ड क्वेश्चन में क्या है जी हां मैंने क्वेश्चन छोड़ा था मुझे समझ नहीं आया
यस सर जी मेरा भी डाउट A particle of mass m is moving in a horizontal circle of radius r with uniform speed when it moves from one point to the diametrically opposite point. बताओ क्या सोचा है तुमने जिया? मुझे तो ना एक बार ऐसे लगा कि momentum does not change होना चाहिए, but मैं उसको छोड़नी थी फिर मैंने छोड़ दिया. सर क्योंकि मतलब momentum होता है mass into velocity और सर body अगर uniform speed है direction तो change होगी. ये तो सोचा ही नहीं पहले. यहाँ पे mv है, यहाँ पे mv है, कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है? जीरो. यस जीरो. फिर वही गलत. ऑपोजिट टू mv सर. ऑपोजिट वेक्टर्स तो ऐड हो जाते हैं वैसे. टू mv ठीक है. जिया हाँ सर. टू mv कितना चेंज है मोमेंटम में? 2mv सर. जैसे मेरे को तो mv माइनस mv जीरो दिख रहा है. सर ऑपोजिट वेक्टर है ना, तो ऐड नहीं हो जाएंगे. क्यों ऐड होंगे सर? ऐड ही होंगे. क्यों? पता नहीं सर, आप बताओ. मैं क्यों बताऊं? बताओ ना तुम एक बार, ट्राई तो करो. हमें दोनों को माइनस करना है. एम वी में से माइनस एम वी को माइनस करेंगे तो 2mv हो जाएगा. यस सर. तो मैंने ना डायरेक्शन तो ऑपोजिट ले ली, साइन ही ऑपोजिट लिया. तो ये गलतियां नहीं करनी. आगे भी सर मैंने जब हमें नीट फोड़ना है, नीट ना हमें फोड़ दे. ओके सर. तो ऐसी ये तो बेसिक चीजें हैं यार. ये चीज नहीं छोड़नी हमें, है ना? Yes, कोई मुश्किल क्वेश्चन गलत हो फिर थोड़ा दुख कम होता है. इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं था जो मैं गलत कर रही. नेक्स्ट 15 तक. सर वहाँ पे changed by लिखा था, changed to नहीं होना चाहिए था सर. तो by या 2mv यार. By क्या होता है? कितना कितने अमाउंट से चेंज हुआ? तो कितने अमाउंट से चेंज हुआ तो चेंज माइनस करके पता लगेगा. यस सर. चेंज टू तो माइनस एमवी हो गया. ओके सर. 13 किस जिया का ही है? यस सर. स्टोन ऑफ मास एम इज टाइड टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल. ले बताओ. ये तो बचपन में कर रखा होगा थेरी बार. जिया स्टोन ये स्टोन है, इसको ऐसे घुमा रहे हम. ठीक है ऐसे तो मेरा आंसर सही है टेंजेंशियली आउटवर्ड्स, बट वो तो ना मैंने प्रैक्टिकली देख के मार्क किया. बट मतलब प्रैक्टिकली देख के मार्क करना है फिर तो ठीक है. मेरे को ना मतलब मेरे को था कि इसके पीछे कोई रीजन भी होगा. मेरे को भी टेक्निकल रीजन भी है. इसकी वेलोसिटी क्या होती है? किस तरफ होती है? टेंजेंशियली. इसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल वेलोसिटी सर. टेंजेंशियल वेलोसिटी ऐसे? नहीं नहीं सर. हां किधर होती है टेंजेंशियल वेलोसिटी? सर परपेंडिकुलर टू रेडियस. अच्छा ये यस सर. हाँ तो फिर रस्सी तोड़ेंगे तो इधर ही भागेगा ना. यस ठीक है. आंसर तो मेरे सही है सर ये वाला. अच्छा ठीक है. सर ये जो नीचे इंस्ट्रक्शन लिखे ना इसमें बड़ा टंग किया है. आधा पेज कई बात है सर. आधा पेज इसने रोक रखा. सही बात है ये. क्यों लिखा है सर? इनमें तो यूज भी नहीं है सर जहाँ पे लिखे हुए इंस्ट्रक्शन. इसमें क्या यूज करें सर इसका? एक बार लिख देते बार बार बताई जा रहे हैं.
तो मुझे लगा कोई पिक्चर गिव है ना, लोड नहीं हो रही मेरी। हाँ मुझे भी सर यही लगा था पहले, मैं वेट करती रही। नेक्स्ट सर 16 फ्री टेस्ट ना सर, इजी था सर वैसे ये वाला टेस्ट। 14 सर इजी था। बॉडी अ बॉडी इज 14 है। हाँ सर कौन सी चीज है। हाँ बोलो। इसमें एक्सेलरेशन तो जीरो हो जाएगी तो फिर हमने कांस्टेंट मैग्नीट्यूड कैसे? एक्सेलरेशन जीरो, एवरेज एक्सेलरेशन जीरो होती है मुस्कान, एवरेज एक्सेलरेशन, क्योंकि एवरेज एक्सेलरेशन होता है टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। लेकिन हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन तो है, अगर तुमने बोल दिया कि एक्सेलरेशन जीरो है मतलब एक्सेलरेट कर ही नहीं रहा वो तो। एक्सक्यूज मी सर। मुस्कान। यस सर। ठीक है। यस सर। इतना सोच के क्यों बोल रहे हो, इतना समझ नहीं आएगा? मुझे समझ तो आ रही है, पर मैंने बात नहीं आपको अच्छी तरह से पहुंच रही। अच्छा ठीक है, बोलो निवेदिता। सर यहाँ पे सिर्फ सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन लग रही होगी ना बस। यस कांस्टेंट है स्पीड। ठीक है सर, स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन लग रही होगी सेंट्रिपेटल। वो तो लगती है सर, वो डायरेक्शन चेंज की बात है, तभी तो घूम रहा है। 16 तभी तो घूम रहा है। सर वो मैंने पहले से लिखा हुआ था कॉपी पे, इसलिए बोल दिया। नेक्स्ट सर 18 मेरा हो गया, मेरे को पूछना है एक बार ठीक है या नहीं। सर इसमें मैंने ओमेगा वी लगा दिया। ओमेगा वी सर इसमें हमें ये कैसे पता लगेगा कि कौन सी एक्सेलरेशन पूछी है, क्योंकि कांस्टेंट है ना। मीटर पर सेकंड स्क्वायर वी स्क्वायर पर। नितेश एक सेकंड। यस नितेश, कांस्टेंट ओमेगा दे रखा है अपने को। यस सर। कौन सी एक्सेलरेशन होगी? सेंट्रीपिटल। बस फिर वही पूछिए। निवेदिता वी वी का है सर, इसको निकाल सकते हैं ना v equals to omega r से। तुमने लगाया omega v, v is equal to omega r, तो indirectly तुमने क्या लगाया? अच्छा हाँ हाँ जी सर, ये लगाया है। सर टेस्ट में बिल्कुल नहीं पता चल रहा था सर कैसे करूं फिर बाद में। दस मेरे ख्याल सबसे आसान, one of the easiest question हो गई है। सर मैंने मेरे से भी नहीं हुआ सर ये पेपर में। सर ओमेगा की डायरेक्शन क्या होगी सर 18th क्वेश्चन में? एक बार लिख दिया भाई, फॉर ऑल क्वेश्चन बार बार। सर क्वेश्चन में सर लोड नहीं हो रही, लोड ही नहीं हो रही। अरे ओमेगा की डायरेक्शन होगी तो वो तो पता भी नहीं चलेगी ना। किधर लिखा है इसने एंटी क्लॉक वाइज क्लॉक? कुछ नहीं, बस कुछ नहीं लिखा सर। हां बोलो वरुण। सर साइड में लिखा हुआ था कि टेक 9.8 और क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि टेक 10। वो तो एक क्वेश्चन में लिखा हुआ था बस, बाकी में तो टाइम। जिसमें क्वेश्चन में लिखा है वो क्वेश्चन की बात मानो, बाहर वालों के नहीं, क्वेश्चन की बात माननी है। ये ना उसमें 10 ले ले की भी की है क्योंकि उसमें ऑप्शंस बहुत दूर दूर पड़ी थी। हां 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 नेक्स्ट। सर ओमेगा और अल्फा की फीलिंग नहीं आती ना एकदम? ओमेगा और अल्फा की फीलिंग ही नहीं आती है, फीलिंग बस अप्लाई करनी पड़ती है। सो 43rd 25 43 ओके 25 25 एक मिनट।
इसमें एक चीज पूछनी है, सर्कल में फर्क क्या हो गया? तुम कौन कौन सी ऑप्शन, डी ऑप्शन और किसकी बात कर रही हो? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन, एक्सेलरेशन वेक्टर इज tangent to the, दोनों ही सही है सर। acceleration vector is tangent to the circle, so the tangential होती है। यहाँ पे कौन सी acceleration लगेगी सिमर? ठीक है सर, समझ। सर मेरे को नहीं समझ आया। तेरे को क्या नहीं समझ में आया? सर इसमें सर D option सही नहीं होना चाहिए, मतलब velocity and acceleration vectors are perpendicular to each other। डी ऑप्शन सही नहीं होना चाहिए या होना चाहिए? सर नहीं होना चाहिए, तो फॉल्स ही ढूंढना। ओके सर। थर्टी तक? नो सर। फाइव तक? नो सर। अरे वाह, सीधा क्वेश्चन। नहीं, बात कल बताया मुझे उसने, क्या तीन ने बताया था? शायद ठीक है सर, दो क्वेश्चन रिपीट सर। सर कई बार ये भी दिक्कत हो जाती है, एक ना निकले दो नहीं गलत हो जाते। सही में सर, ये भी होता है सर। सर 36 मेरे साथ पता क्या बनी, वो जो h is equal to 5/2 r होता है ना, वहाँ पे d था, तो मतलब मेरे इतने दिमाग नहीं चला कि d हाफ होगा, मैं d की लगी, मेरे 10 मार्क्स गए क्योंकि वो क्वेश्चन रिपीटेड था। दोनों में डायरेक्ट फॉर्मूलास थे, दोनों में ही, तो वो मेरे 10 मार्क्स गए। अच्छी बात है। सर दिव्यांशु को तो पेपर बता था, मैं वो चीज नहीं भूलूंगी अब। दिव्यांशु ने रात को क्वेश्चन भेजा था पेपर के, मतलब एक दिन पहले। हां जी सर, दिव्यांशु ने क्वेश्चन भेजा था, बड़ा भाई था। कौन सा क्वेश्चन भेजा था? सही मार्क के बदल से सही है। सेकंड क्वेश्चन सर, सर नेट एक्सप्लोरेशन निकालने वाला मॉड्यूल में एक्सरसाइज 2 में, एक्सरसाइज 2 7th क्वेश्चन सेकंड में हो गया। बी ऑप्शन है, मैंने देखा भी नहीं सर, मेरे को भी याद था आंसर उसका, मैंने सॉल्व मैंने करके भेजा था, मेरे को करने की जरूरत नहीं पड़ी सर, मैंने तो आप सर याद ही हो गया था वो वाला। क्या किया तूने? सर ओमेगा इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर। क्यों? चल अच्छा, फिर क्या करूं इसका? ओमेगा को मैंने इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर दिया आर के। वाह, जब कुछ कांस्टेंट हो तो कर लेना तो प्रोपोर्शनल। और ये भाई साहब जो ऊपर बैठे हैं, ये कांस्टेंट है भी दोनों पॉइंट पे? नो सर। ओके सर ठीक है, दोनों केसेस में मतलब हद हो गई यार। नो सर, मेरे को बचपन से बताता आ रहा हूं मैं, जब प्रोपोर्शनलिटी तब लगाते हैं, बाकी चीजें कांस्टेंट होती हैं, इनको उड़ाना है। बचपन में जानते थे इसको, मतलब 10th में। अच्छा सर 44th, सर 43 सर 43 सर, इसका सी नहीं आना चाहिए सर, बी ऑप्शन आ रहा है। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन हमें पार्टिकल पावर डिलीवर टू दी, देखो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन इज के स्क्वायर आर टी स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या होता है? वी स्क्वायर बाय आर। यस सर। तो यहां से मेरे पास वी वी स्क्वायर आ गया, के स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर, वी आ गया आर टी। ठीक है, ये वेलोसिटी आ गई सर।
अब पावर निकालनी है अपने को सर, एफ वी लगा के सीधा एम वी स्क्वायर बाय आर टू वी। नहीं, पावर पावर कैसे निकालेंगे अब? एफ वी एफ वी के लिए ए नहीं निकालेंगे सर, एफ एस लगा के एम एफ इनटू वी सर। यहां पे मतलब फोर्स कांस्टेंट मतलब मान ले यहां पे या फिर तो फोर्स पावर निकाल रहे हैं हम, दोनों चीजें इंस्टेंटेनियस यूज करेंगे। इसने कौन सा एवरेज पूछी है, और ये फॉर्मूला भी इंस्टेंटेनियस पावर का है। कहाँ गई निवेदिता, उसी ने पूछा था ना सर क्लास में। चलो रिकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्योंकि हम इंस्टेंटेनियस पावर निकाल रहे हैं तो दोनों चीजें इंस्टेंटेनियस यूज करेंगे। एक्सेलरेशन दे रखी है, फोर्स फोर्स इज एम इनटू ए एम के स्क्वायर आर आर इनटू टी स्क्वायर इनटू वी इज के आर टी। क्या ये सही है सर? आता नहीं है ऐसे। नो सर। क्या ये सही किया मैंने? नहीं आ रहा है सर। क्या ये मैंने सही किया? गलत किया सर। क्यों कर रहे हैं? एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल ले ली। हां, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। हां ठीक है, कहां से आएगी टेंजेंशियल? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहां से आएगी? dv/dt। यस, ए टी इज dv/dt। वो कितनी आएगी? kr। kr आ गई। यस सर। सर पेपर में नहीं हुआ था सर, दुख होता है सर। सर इस क्वेश्चन को सर हम ऐसे कर सकते हैं कि पहले सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दी हुई है, उसी सर हम उसको मास से मल्टीप्लाई करके फोर्स निकाल लेंगे, फिर सर उसको हम dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके वर्क डन निकाल लेंगे, फिर उसको डिफरेंशिएट करके पावर निकाल लेंगे। थम जा, एक मिनट एक मिनट। क्या बोल गया सर? तूने फोर्स निकाल, वैसे ही किया था। तूने क्या निकाल ली पहले? फोर्स। यस सर, मास से मल्टीप्लाई कर दिया उसको, और उसको dx इंटीग्रेट ना डिफरेंशिएट करके तो नहीं सर, इंटीग्रेट किया था पहले वर्क डन निकालने के लिए। अच्छा, फिर वर्क डन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, उससे पावर आ गई। अच्छा ठीक है, टेक्निकली तो ठीक है सर। ये क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता, इसने पहले फोर्स निकाल ली यार, F is equal to ma करके, yes, sir. निकाला होगा F dx करके। सर ये कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, बस ये ठीक है सर, ऊपर वाला। फिर ये क्या होगा? पावर इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाय यस, इसने ये किया है। ठीक है, दोनों ठीक है, जैसे मर्जी करो। ठीक है, Yes. सर 44 में ये डाउट है कि प्लस mg। अच्छा, एक मुझे डाउट हो रहा है इसमें। क्या? वो ये डाउट है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन मेरे पास 80 आ गई, kr। एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल आ गई ये वाली, तो पहले मैं a नेट निकाल लूंगा, फिर फोर्स निकाल लूंगा f नेट, फिर v से मल्टीप्लाई करूंगा, है ना? नहीं सर। क्यों? टोटल पावर उसने यही पूछी है ना, पावर डिलीवर्ड बाय द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। तो सारी फोर्सेस के कारण पावर निकालनी है मेरे को, तो टोटल एक्सेलरेशन नहीं चाहिए, टोटल एफ नेट चाहिए मतलब मेरे को। सर ऐसे कर सकते हैं एक्सेलरेशन निकाल के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी मतलब ऐसा कुछ? नहीं, क्योंकि उससे एवरेज आएगी। सर क्योंकि सेंट्रीपिटल की वजह से हर पॉइंट पे वर्क डन जीरो होता है। यस, तो पावर जीरो आएगी। यस, सेंट्रीपिटल की पावर तो जीरो ही आएगी। अपने को पावर कौन सी निकालनी है? टोटल, टोटल निकालनी है जिसमें से दो हैं, एक सेंट्रीपिटल की है एक टेंजेंशियल की है, इसकी तो जीरो ही है, तो अपने को अल्टीमेटली निकालनी किसकी है? टेंजेंशियल। तो इसलिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यूज होगी, kr।
तो एफ टी हो जाएगा एम के आर। वी पता है अपने को जीरो क्यों लिए दोबारा बताना। यस जीरो क्यों। ओ पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी होता है ना। यस सर। यस सर। एफ एस कॉस थीटा एफ वी कॉस थीटा होता है ना। यस यस सर। सेंट्रीपेटल फोर्स और वेलोसिटी में एंगल कितना होता है। 90। ठीक है सर समझ गई समझ गई। ठीक है हो गया। यस। नेक्स्ट 644। सर इसका 100 ml आ गया। सर एमजी नहीं आना चाहिए। सर 16 ml। सर यहां पे तो 2/π लिखा हुआ है। सर हमारे पेपर में 2/p लिखा हुआ था। नहीं 2/π था मेरे में तो p था सर। मैं तो वही सोची थी। p था सर समझ ही नहीं आ रहा था। सर मेरे में तो सर पाए था। मेरे में पाए था सर। तो सर वो लोड होने में टाइम लगता है सर। सर कई हो गए पेपर। आई पीछे रह गया होगा। पायो के पेपर नहीं एक्चुअली ये सिंबल है ना इसके पीछे कोड होते हैं। यस सर वो लोड होने में टाइम लगता है। वो कोड लिखा हुआ है। सर इतना टाइम हो गया था लोड ही नहीं हुआ वो मेरा। सर मैं देखता हूँ। तुम लोग ऐसे कुछ गड़बड़ हो ना उसकी स्क्रीनशॉट ले लिया करो। सर अभी भी पड़ा वो तो। सर अभी भी है दिखाऊं। अभी भी पी है मेरे में। यस सर मेरे में भी पी है। दिमाग खराब कर दिया क्वेश्चन ने। अभी भी पी है सर। यस सर 2/p मतलब कहां पे। सर अभी मैंने यहां पे सिंबल लिखा है ना सर खोली अभी साइड मेरे में भी पी ही था। वहां पे पी था सर। मेरे भी जिनका नेट स्लो है उनको पी आ रहा हो। सिर्फ पी था सर। भेजना ये आई भी नहीं था साथ में। अगर आई होता तो हो जाता सर। बोनस मिलना चाहिए इसका। मैं तो उसको सिर्फ 2 लेके कर दिया। मैंने उसको मेरा गलत आ गया। मुझे लगा गलती से लिख दिया होगा उन्होंने कुछ। देखता हूं मैं बात करता हूं। भेजो मुझे स्क्रीनशॉट है ना। A string of length L is fixed at one end and carries a mass m at the other. ठीक है। String makes an angle 2 by string makes 2 by pi revolutions per second. ठीक है। टेंशन मत लो। हां भाई किसका ये दिव्यांशु का है। लेकिन नहीं लगाना ना वो आपका नहीं फिर आपका है। मेरा मतलब उसको डायरेक्ट फॉर्मूले मत याद करो यार कंफ्यूज जाओगे। अच्छा चल फिर क्या किया तूने। फिर सर मैंने टाइम को 2/π पुट कर दिया वहां पे। सर वहां से cos थीटा की वैल्यू 1/10 L आ रही थी। फिर सर वहां पे मैंने वो टेंशन वाली इक्वेशन से देखा कि t cos थीटा = mg। फिर सर जो cos थीटा की वैल्यू वहां से आई थी उसको वहां पे पुट कर दिया। वहां से 100 ml आ रहा था बदल मेरा। सर क्योंकि इसने टाइम पीरियड को पुट कर दिया। सर इसने टाइम को 2/π लिया जो कि ओमेगा दिया हुआ है। यस पता नहीं सर क्या किया है। टाइम पीरियड 1/frequency होगा तेरा। हाँ हाँ भाई ओके सर। भाई एम ओमेगा स्क्वायर आर नहीं लग रहा। कौन सा टी ओमेगा स्क्वायर आर के आज यार आवाज ऐसा क्यों लग रहा है मेरे को ब्रेक हो के आ रही है। मेरी भी ब्रेक हो के आ रही है। तुम्हारी नहीं मतलब किसी की जैसे अर्शिया की तो इसका तो पता नहीं माइक में। ओके तो यहाँ पे क्या करेंगे क्या लगाएंगे इक्वेशन। अर्शिया बताओ क्या करेंगे। सर मैंने तो टी ओमेगा टी इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर करके टी इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर सीधा ही लग के सर आएगा। टी इज इक्वल टू अगर एम ओमेगा स्क्वायर आर होता ना तो ऐसे घूमता ये। सर आंसर तो यही आ रहा है इसका मतलब इसमें आर पुट कर देंगे ना सर। एल साइड गलत है आर को एल साइन थीटा पुट करके कर देंगे। एक सेकंड वेट 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 देखो ना साइन थीटा इक्वल टू
m omega square r, फिर r को l sin theta put करके sin theta cut. तो ये बनाया होगा ना तुमने, ये सीधा ही लिख दिया मतलब मन में कर लिया सब कुछ? बनाया सर. हाँ तो फिर वो बोलो ना मेरे को step by step. मैं इतना इंटरेस्टिंग नहीं हूँ. ओके सर. हाँ बोलो. t इधर कौन सा आएगा? t t sin theta. और ऊपर वाला कंपोनेंट t cos theta. ठीक है. t sin theta is equal to m omega square r. सर r is equal to l sin theta होता है. अच्छा, यस सर. ओके, तो sin theta sin theta कट. ठीक है, तो t is equal to m omega square l. ठीक है, तो सर ओमेगा हमें 2 by pi रेवोल्यूशन पर सेकंड दिया, तो सर रेडियन पर सेकंड में कर लेंगे. ठीक है, तो सर 4 रेडियन पर सेकंड आ रहा है. ठीक है, into l, तो सर 4 का स्क्वायर 16, तो 16 ml आ गया. सर वो सर जो सेकंड लास्ट स्टेप है वो 2π into 2/π वाला, बस वो नहीं समझ. तीन तो स्टेप हैं, कौन सी की बात कर रहा है इसका? m सर इसके वो राइट वाला. अच्छा, ये 2π को रेडियन में वो समझ रहे हैं. फ्रीक्वेंसी रखी है ना 2π, ओमेगा इज 2π न्यू. नहीं ले सकते. यूनिट क्या होता है सर ओमेगा का? रेडियन पर सेकंड या आरपीएम? रेडियन पर सेकंड इज द एक्चुअल यूनिट ऑफ ओमेगा. अगर आरपीएम आरपीएस कुछ ऐसा दे रखा है मतलब वो फ्रीक्वेंसी दे रखी है. फिर तो 4π square m ml. हाँ, रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है सर. यहाँ पे इनडायरेक्टली मैंने इसको रेडियन में ही कन्वर्ट किया है. मेरे को 2π rps दिया हुआ था, इसको रेडियन में कैसे करेंगे? 2π को 2π से मल्टीप्लाई कर देंगे. यस सर. सर वैसे एंगुलर वेलोसिटी और मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो सेम ही होंगे ना? नहीं, अंतर होता है. न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की सेम होती है लेकिन. ओके सर. सो बस खत्म हो गए डाउट्स. सर 45. क्या दिक्कत है? सर इसमें ये नहीं समझ यार, वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट कैसे पता चलेगी? इसमें रखा टेंशन मैक्सिमम मतलब टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट टू द टेंशन मिनिमम मतलब टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट इज 4 है ना? यस. स्पीड ऑफ द स्टोन एट द हाईएस्ट पॉइंट, तो स्पीड निकालनी है. इक्वेशन लगानी पड़ेगी यहाँ पे. यस सर. रिलेशन बन जाता है सर. हाँ रिलेशन बनेगा, इधर इक्वेशंस बनेंगी. तो यहाँ पे मान लो वेलोसिटी है vl, इधर वेलोसिटी है vh. तो यहाँ पे mg, इधर tl, इधर mg एंड tl, th. तो एक इक्वेशन तुम्हें tl की लिखनी पड़ेगी. क्या आएगा? tl माइनस mg इज इक्वल टू vm vl स्क्वायर बाय l. yes. एक इक्वेशन आएगी सर. ऐसे ही बनाया, इक्वेशन बन जाती है vl स्क्वायर प्लस gl अपॉन vh स्क्वायर माइनस gl इज इक्वल टू 4 equal to mvl square by l and यहाँ से th की आएगी th plus mv equal to v vh square
ओके तो मेरे पास आएगा एम वी एल स्क्वायर बाय एल प्लस एम जी डिवाइडेड बाय एम वी एल स्क्वायर बाय एल माइनस एम जी इज इक्वल टू फोर. हमको उड़ाओ. जी की वैल्यू डाल लेंगे. यहां से आएगा वी एल स्क्वायर बाय एल. एल की वैल्यू 10/3 प्लस 10 डिवाइडेड बाय वी एल स्क्वायर 3/10 माइनस 10 इज इक्वल टू 4. दिस इज वन इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल्स हैं वी एल और वी एच. हम ये भी लिख सकते हैं कि वी एल स्क्वायर इज इक्वल टू वी एच स्क्वायर प्लस 4GR, मतलब 4GL. इसके लिए यहाँ पे डाल देंगे. फिर क्यों डालनी है इतना कॉम्प्लिकेटेड? आप पे कैसे चमकेगा हमें कि ये डालनी पड़ेगी वैल्यू? नहीं, दो इक्वेशन बना के फिर वो एडिशन सबट्रैक्शन जो करते हैं वही किया है एनविलन. मैंने दो इक्वेशन बना ली. अरे पुट्टी कर सर. ये सॉल्व सर मैंने ये सॉल्व करके निकाल लेंगे. यार जैसे मर्जी करो. मैथ को जैसे मर्जी करो तुम लोग. ठीक है सब्स्टिट्यूशन मेथड करो, कोई भगवान जी का मेथड करो, जैसा मर्जी करो, तुम्हारा मर्जी. तो यहाँ पे क्यों करना है ना, कैसे चमकेगा हमें ये? सर यहाँ पे -4GL नहीं होगा, VL स्क्वायर -2VL क्या होता है जागृति? VL स्क्वायर इज इक्वल टू VL स्क्वायर माइनस. अच्छा हाँ ठीक है सर. वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हमने दो ही चीजें की हैं. क्या? एक तो टेंशन वाली इक्वेशन लगाई है, दूसरी एनर्जी कंजर्वेशन. बस तो यहां से वही किया मैंने. सर पहले इसको सॉल्व करके VL VH के टर्म्स में रेशियो निकाल के उसके बाद कर लें ये वाला स्टेप. जैसे मर्जी कर लो, दैट इज योर चॉइस. बट सीधा यहां पे अगर डाल देंगे तो हमारे पास 4G G की वैल्यू भी है, L की वैल्यू भी है, सब डाल दो. यहां पे एक ही वेरिएबल बच गया, उसको कर लो. इट्स योर चॉइस. यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन. ओके डन. Yes, sir. ये हो गया था दिव्यांशु तेरे से 45. Yes, sir. आसान आसान क्वेश्चन नहीं होते ना तेरे से. इसको ज़्यादा ही दिमाग चल जाता है पेपर में. मेरा इतना नहीं चलता कि मैं सोच. और वो उसने फॉर्मूला भी याद करके रखा टाइम पे. ठीक है विच आर द फॉलोइंग ऑन बॉन्ड लेंथ. सर आगे चलो. सर आप जूलॉजी कर लो, वो शायद आती होगी थोड़ी देर. क्योंकि वो ह्यूमन ह्यूमन पे है ना. सर इतना इजी था ना जूलॉजी तो आता होगा फिर है ना. अब गले में होता है उसको क्या कहते हैं? नहीं होगा सर ये नहीं आपको आता होगा प्लूरा होता है. पेरिकार्डियम हार्ट की होती है. पेरिटोनियम वही पेराइटल. पेरिटोनियम पेरिकार्डियम तो हार्ट से रिलेटेड. सही बात. यस सर. पेरिटोनियम तो यस फाइनल कॉर्ड में होती है. तीन होती है उसमें. पेरिटोनियम विच ऑफ द
with the most important function of diaphragm. ये तो आता ही होगा सर, ये तो बहुत ही है। सोचने दो यार। मैं हेल्प करना सर, ब्रीदिंग वेंटिलेशन में हेल्प करना। हाँ। तो वेंटिलेशन क्या होता है सर? हाँ क्या सर, निवेदिता के आंसर दिए जा रहे हो आप। सर वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है सर? अरे इंग्लिश तो आती है उनको, हद है। अरे वेंटिलेशन तो बायोलॉजिकल वर्ड है। सर अब ये वाला आप दो अगला वेंटिलेशन बायोलॉजिकल, ये जो अपना वेंटिलेटर लगे होते हैं वो नहीं होता क्या? ये वही होता है सर, वैसे ही मतलब हवा बाहर अंदर करना। यस सर वही होता, वही होता ना। हां सर ये आप तो हमने कोई बोला, अरे ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन 4 और 5। नहीं सर, नहीं सर, रिपीट करो सर। अभी ऊपर किया देखो, वेंटिलेशन मिल रहा है सर वो। नहीं सर, ओ एक मिनट, एक मिनट, फोर्थ क्वेश्चन में उसने पूछा डायफ्राम का फंक्शन क्या है, वेंटिलेशन। इसमें पूछा वेंटिलेशन किसके कारण होती है, डायफ्राम ऑब्वियसली। नहीं सर, देयर इज कट ए ऑप्शन आएगा। नहीं सर, ए आएगा सर, ए नहीं ऑप्शन आएगी। कोस्टल मसल्स, यस सर, होते हैं सर, रिब्स में होती हैं सर। यस सर, रिब्स में होते हैं सर। हां सर, मॉड्यूल में डाउट है। बोल भाई सर, मैंने आपको वो स्क्रीनशॉट भेज दिया, बीबीपी है सर उसमें। अच्छा हां जी सर, इसका फिफ्थ बता दो एक बार, पेपर का ही मैं भूल के पूछना कर ले। आसान है वैसे बायो यार। Yes. सर आप भी सोच रहे मेडिकल कर लेते हैं। और यार अब लगे सर भी यही कहते हैं, मेडिकल ही कर लेते हैं। मैं सोच रहा हूं आप दे देता हूं नीट का पेपर, नहीं थोड़ा एक साल पढ़ के बारे में। दो साल हमारे साथ दे देना सर, कोई बात नहीं सर, हमारे साथ मत देना। नहीं सर, फिर तो फिजिक्स में सर रह जाएंगे हम। और क्या सर, आप हमारे अगले पिछले साल में दे देना। अगले डॉक्टर होता है यार मैं, सही बात है ना सर, फिर आपको हम डॉक्टर कहते हैं। हाँ, फिफ्थ में क्या डाउट है सर? फिफ्थ में मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कौन सी स्पीड लेनी है, लोएस्ट पे या हाईएस्ट पे। तो मतलब देखो, अगर हाईएस्ट लेके सही आ रहा है वैसे तो। हाईएस्ट लेंगे, इसने टाइम पीरियड पूछा है सर, हाईएस्ट लेके सही आ रहा है सर आंसर। लोएस्ट लेके आ नहीं रहा ऑप्शन सर, लोएस्ट लेके रूट 5g और हाईएस्ट पे गिरेगा पानी तो गिरने की कैसे सर, नीचे पे गिरने में कोई मतलब वो भी नहीं, कोई बकेट तो सीधी ही है, सीधे बकेट से तो पानी कैसे गिरेगा। देखो हमें यहाँ पे जो है टाइम पीरियड है मैक्सिमम वाला फाइंड करना पड़ेगा, इज इक्वल टू 2π बाय ओमेगा। देखो ऊपर स्पीड होनी चाहिए रूट 5gr, यहीं पे गिरने का चांस है ना इसका सर, ऊपर रूट gr। मैंने क्या लिखा है? 5gr। अच्छा लिखा तो मैंने रूट gr ही है, 5gr बोला। हाँ 5gr बोल दिया, नीचे है रूट ऑफ 5gr, तो गिरने का चांस ऊपर वाला, तो ऊपर वाली स्पीड लेंगे। ठीक है सर। हाँ दिव्यांशु, कौन सा चैप्टर बोल? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन एग्जांपल नहीं है सर, मैंने भी यही सोचा था कि मैक्सिमम टाइम पीरियड तो 4 सेकंड होगा, तो उससे कम ही होएगा आंसर। तो फिर मैंने 1 लगा दिया ए। तो कई बार ज्यादा थॉट देना भी भारी पड़ जाता है। नहीं यस सर, उसमें ग्रेविटेशन का रोल ही नहीं कर रहा, वो इंक्रीज कर ही नहीं रही उसकी स्पीड। ऐसा क्वेश्चन मेरे ख्याल मॉड्यूल में भी था जिसमें हमने ऊपर वाली स्पीड ली। यस सर, यस सर, यस। सेकंड क्वेश्चन था सर, सर्कुलर सबसे अच्छा चैप्टर आया अभी तक। यस सर, मेरे को सबसे अच्छा वही लगा सर्कुलर। सर्कुलर बहुत सही है चैप्टर, इस पेपर में भी ज्यादा दिक्कत नहीं हुई करते हुए। सर आपने जान के इस पेपर डाला था सर, तब नीट चीज डाल रही है अभी, तो मैं भी डाल देता हूं। ये पेपर इजी डाला था। नहीं नहीं, ऐसी क्वेश्चन आते हैं इसमें से। अच्छा पेज नंबर G23 सर, एग्जांपल 9। सर ये सर हो ही नहीं रही थी, उसके बाद भी ट्राई किया था। व्हील इज लोकेटेड, पहले भी पूछी थी किसी ने। सर ये जागृति, यस सर, जिस दिन मेरा माइक नहीं चल रहा था उस दिन
A nail is located below the point of suspension of a simple pendulum. The bob is released from horizontal position. Achha, if the bob loops a vertical circle with nail as center, find the distance of the nail from the point of suspension. तो यार यहाँ से एक ऐसे बॉब लटका इधर इधर लंबी yes. रास्ते में कहीं पे जब ये नीचे छोड़ेंगे इसको इधर इधर एक नेल लगा रखी है यहाँ पे ठीक है तो जब ये रस्सी जो है इधर पहुंचेगी तो इतना पार्ट तो स्टक हो जाएगा yes. लेकिन बाकी का हिस्सा जो है वो सर्कल में घूमने लगेगा Yes. ये हो रहा है ठीक है तो उसने बोला है कि इफ द बॉब लूप्स अ वर्टिकल सर्कल तो अगर इसने वर्टिकल सर्कल खत्म कर लिया किसके अबाउट नेल के अबाउट तो मतलब इसकी लोएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो रूट फाइव जीआर होनी चाहिए और इसमें आर कौन सा लेंगे इतना okay, ठीक है Yes. और सर इसके सेकंड पार्ट फाइंड द एंगल थीटा विद द लोअर वर्टिकल एट व्हिच द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉब इज अलोंग द हॉरिजॉन्टल नेट एक्सेलरेशन इसकी हॉरिजॉन्टल है yes. कितने कितने थीटा पे होगी ऐसी नेट एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल है मतलब अगर नेट एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल एक्सेलरेशन जीरो होगी yes, तो किसी भी पॉइंट पे है सपोज दे रखा होगा यार हाँ जैसे ये वाला पोजीशन है किसी भी पॉइंट पे है अब किसी भी पॉइंट पे नेट एक्सेलरेशन अपने को हॉरिजॉन्टल करनी है तो वर्टिकल कंपोनेंट जीरो कर दे ये वाला कंपोनेंट इसने ऐसे ही कर रखा होगा देखते हैं वर्टिकल एक्सेलरेशन इज जीरो अब वर्टिकल एक्सेलरेशन इसका एसी का वर्टिकल कंपोनेंट और एटी इधर को है उसका वर्टिकल कंपोनेंट ये टोटल इसका जीरो होना चाहिए मतलब ये वाला और ये वाला बराबर होना चाहिए Okay, sir. और सर इसने थर्ड स्टेप में v स्क्वायर को वो 2gl cos थीटा के लिए लिख दिया तो अपना कैलकुलेट करना है इसको क्यों देख रहा है अभी अपने तरीके से कैलकुलेट कर ओके सर ठीक है v ये कहीं पीछे निकाला होगा इसने ओके सर नहीं नहीं अच्छा ये तो जनरल ऊपर से यहां पे एनर्जी कंजप्शन लगाई है यहां से यहां तक ओके सर सर रोटेशनल मोशन में भी थे क्या एक्सरसाइज वन में सर पार्ट एफ अगर किसी को डाउट्स नहीं है यू कैन लीव मतलब It's your choice to stay. Bol. Second question. Sir, आपने सही कहा. क्या? Sir, आपने कहा था ना कि उस दिन दिव्यांशु नहीं था. तो उसके तो doubt होते हैं. वो सर ने सिक्स्थ क्वेश्चन के लिए कहा था नहीं इस एक्सरसाइज के लिए बोलना था सर ने अ फ्लाई व्हील ऑफ मोमेंट इज फ्री रोटेट इन अ वर्टिकल प्लेन सर जो हमारा इस टाइम मतलब जो भी ग्रैंड टेस्ट होगा ये तो तीन हफ्ते बाद होगा उसमें वो हमारा आईक्वेस्ट में होगा देखो चांसेस हैं स्कूल भी खुलने हाँ हाँ चांसेस तो हैं अब तो कोशिश तो यही है कि वहीं पे हो ऑफलाइन यस बच्चे ना भर समाना चाहते हो कैसे आएंगे जो यस सर जो लोग बेचारे इतनी दूर हैं वो कैसे नहीं उनका फिर कुछ देखते हैं कुछ शायद हो सकता है मिक्स्ड भी हो जाए मेबी जो लोग कहा था सर धीरज सर ने कि दोनों ऑप्शंस रखेंगे जिसको जो ठीक लगे मन तो कर रहा है कि ऑफलाइन ही दे पर मजबूरी है
सर क्लासेस पता नहीं क्यों नहीं लगेंगे अभी, सोशल डिस्टेंस सोशल डिस्टेंसिंग कर ही जा रहे हैं क्लासेस का भी देखते हैं अभी। यस सर सब तो यहाँ पे ऐसे सर कल गोपाल गए थे मतलब इतने बंदे खड़े अंदर पूरे एक छोटी सी शॉप में 20-25 बंदे खड़े और किसी ने मास्क नहीं डाला, सबके मास्क उतरे हुए हैं, सिर्फ जो मतलब सेलर थे उन्होंने डाला हुआ है, कोई बंदे मास्क नहीं लगा के कैसे ऐसे हो रहे हैं। सर मैं अभी सर परसों बाहर निकला, मेरे को तो लगा था कोई होएगा ही नहीं बाहर सर, वहाँ पे तो सारी गाड़ियाँ स्कूटर सब चली जा रहे थे, मैं डर गया देख के क्या हो रहा है। सर उन्होंने लगाए हुए हैं स्टिकर, पहली बार निकला क्या दिव्यांशु? सर 4 महीने बाद निकला था परसों। ओ भाई सर मैं तो खुद नहीं निकली, ये जी कैसे रहा था? 4 महीने बाद निकली हूं कल बाहर हैं, आज जाऊंगी। यस सर नवरात्रि के पास आ रही हूं तो किसी के घर पे चैट, नवरात्रि के लिए क्लोज रिश्तेदार आ तो। अरे पापा मम्मा तो बताते होंगे तेरे को दिव्यांशु के बाहर दुनिया में क्या हो रहा है। यस सर कहते तो है कि मतलब लोग ऐसे घूमते, सर मेरे को लगता था एक दो ही होंगी, सर वहां पर सारी मतलब भरी पड़ी थी, लग ही नहीं रहा था कुछ कि वायरस फैला हुआ। देखो सबको क्या पता उन सबको हो है दिव्यांशु, तो उनके बीच में जाए या और ऐसे डराओ मत। यस मजाक कर रहा हूं तो okay, कुछ नहीं होता सर इतना मतलब काढ़ा पी लेना दिव्यांशु आज कुछ नहीं है यार, सब लोग भूल भाल गए तो। थैंक यू सर। सर हम तो सब कुछ सैनिटाइज करते हैं, बिना सैनिटाइज करे कुछ चीज अंदर ही नहीं आती। देखो घर में तो प्रिकॉशन देखो रखनी चाहिए ठीक है, वहां पे सर पहले 4-5 दिन रखते हैं साइड पे, अलग अलग क्वारंटाइन सेंटर्स बना रखे हैं घर पे, उसके बाद सैनिटाइज करके अंदर लेके आते। हमारा पूरा एक रूम ही ना मतलब उसके लिए है कि यहीं पे सारा कोरोना का सामान रहेगा। हर एक घर में ऐसे ही है। आप तो कभी सोचा था कि इतना करना पड़ेगा कुछ बाहर से खाने के लिए लेके और सैनिटाइज करो कुछ करके अभी फिल हो जाए, ठंडी में तो हाथ भी नहीं धोए जाते इतनी बार। सीरियसली मैंने सर मॉड्यूल्स भी सैनिटाइज किए थे, मैंने भी किए थे सारे मॉड्यूल सैनिटाइज्ड थे मेरे। अरे रख देते 2-4 दिन अपने आप ही हो जाता है। रखे थे उसके बाद भी फिर हमको सैनिटाइज करते हैं, रोटेशनल मोशन शुरू हो गया चैप्टर। हाँ बोल भाई क्या डाउट है इसमें? सर इसका आंसर नहीं आ रहा था यार, एक्सटर्नल टॉर्क दे रखा है अपने को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा लगा ले, एक्सीलरेशन निकाल लीजिए। हाँ उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी सर, फिर इनिशियल जीरो लेंगे इसमें। हाँ सर दिया तो है नहीं तो क्या करें, कितनी लें? 10 बाय पाई? नो सर। ओके सर जी दिन हो तो फिर जीरो रिज्यूम करते हैं। ओके सर। एक सर सिक्स सिर्फ इतना पूछना फिर कि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या लें, क्वेश्चन में डाउट है बता, हद हो गई यार ऐसे पूछ लिया कर। ओके एक सर सिक्स्थ क्वेश्चन के फर्स्ट ऑप्शन में डाउट है। तूने क्लास क्यों लगाई थी ये? यस सर, सर कल ना कहीं जाना था सर सुबह, मतलब अर्जेंट काम आ गया था। व्हेन अर्जेंट शाम को लगा लेता सर, शाम को मैथ्स की भी। सर सबको अर्जेंट काम आते हैं मुझे छोड़ के, पता नहीं क्यों। When a rigid body is rotating, every point except the points on the axis in it describes a circular path. हाँ भाई, ये बता। Sir, A option में doubt है। If the axis of rotation passes symmetrically about the center of gravity of the body, Sir, ये मतलब सही नहीं होना चाहिए। Only if लगा ना तो गलत है। Yes. जरूर थोड़ी है, ये भी पॉइंट्स हो सकते हैं, ये पूरी बॉडी है, जरूरी थोड़ी है सिर्फ इसी एक्सिस के अबाउट होगा, यहां से एक्सिस होगा तब भी एक, इसको छोड़ के बाकी सब पॉइंट रोटेशन में घूम रहे होंगे, सर्कल में घूम रहे होंगे, यहां से होगा तब भी ऐसे होगा, लेकिन अगर एक्सिस बाहर है yes.
तो सारी की सारी ये डिस्क जो है ऐसे घूम रही होगी, तो इसमें ऑल द पॉइंट्स विल बी मूविंग इन सर्कुलर मोशन. ठीक है, ओके सर. डन. यस सर, थैंक यू सर. चलो थैंक यू सर. ठीक है, थैंक यू सर. थैंक यू सर.